Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students, welcome to my YouTube channel. You are learning English with B.M. Sharma. We are reading RBSE Class 12 Compulsory English, in which under the section of composition, we are doing advertisement here. साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 12 सामान्य अंग्रेजी के जो कंपोजिशन पार्ट है उसके अंदर एडवर्टिजमेंट को हम पढ़ रहे थे. इसके पार्ट टू में हम आज तीन एडवर्टिजमेंट को देखने वाले हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे टू लेट. टू लेट का मतलब हमें जब कुछ अपना किराए पर देना है मकान वगैरह, तो उसके लिए हम टू लेट लिखते हैं, किराए के लिए खाली है. और इस तरह का क्वेश्चन कैसे आएगा तो वो मैं आपके लिए बता देता हूँ. क्वेश्चन आएगा, यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ न्यू हाउस, आपने एक नया मकान बनाया है. यू वॉन्ट टू लेट आउट अ पोर्सन ऑफ दैट हाउस, आप उस मकान का एक पोर्सन, एक भाग लेट आउट करना चाहते हैं, किराए के लिए उठाना चाहते हैं. राइट एन एडवर्टिजमेंट, एक अपना विज्ञापन लिखिए. टू बी पब्लिश्ड इन द टू लेट क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर के अखबार के क्लासिफाइड कॉलम में, वर्गीकरण वाले कॉलम में टू लेट के लिए आपको अपना विज्ञापन पब्लिश करवाना है, छपवाना है अखबार में. तो इसके लिए आपको किस प्रकार करना है, मैंने आपके लिए ये टू लेट के लिए एक फॉर एग्जांपल तैयार किया एडवर्टिजमेंट. देखिए, टू लेट यानी किराए के लिए खाली है. इसमें हम लिखेंगे, अवेलेबल अ पोर्सन ऑफ वेल फर्निश्ड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस. अवेलेबल यानी उपलब्ध है. क्या उपलब्ध है? अ पोर्सन, एक भाग उपलब्ध है, ऑफ वेल फर्निश्ड, अच्छी तरह सुसज्जित, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, अभी नए नया निर्माण हुआ है घर का, उसका सुसज्जित एक जो पोर्सन है, एक भाग जो है वो उपलब्ध है फॉर रेंट, किराए के लिए. इन द पॉश एरिया, एक अच्छी कॉलोनी में, शाही कॉलोनी में, अच्छी कॉलोनी है, पॉश एरिया ऑफ रंजीत नगर भरतपुर. भरतपुर जिले के रंजीत नगर की कॉलोनी में पॉश एरिया है, एक शाही इलाका है काफ़ी अच्छे स्तर का, जिसमें कि वन हॉल, एक हॉल है, बड़ा हॉल है, टू बिग बेडरूम्स, दो बड़े बेडरूम्स हैं, शयन कक्ष हैं, मॉड्यूलर किचन, उन्हीं से सटा हुआ एक किचन है, रसोई है, टू वॉशरूम्स, दो वॉशरूम्स हैं. रेंट 8,000 रुपीस अ मंथ, किराया 8,000 रुपये प्रति महीने रहेगा. ओनली फॉर स्मॉल एंड डिसेंट फैमिली, छोटे और सभ्य परिवार के लिए किराए पर दिया जाएगा. स्मॉल का मतलब छोटा परिवार, जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा ना हो. डिसेंट सभ्य परिवार के लिए दिया जाएगा. कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई भी काल्पनिक नाम आप अपनी तरफ से दे सकते हैं या क्वेश्चन में आ जाएगा उसको लिख सकते हैं. बी.एम. शर्मा, रंजीत नगर, भरतपुर, ये एड्रेस लिखा है हमने. मोबाइल नंबर लिखा है 9694000000, यानी 0000000, इस तरह काल्पनिक मोबाइल नंबर लिखा है यहाँ पर. तो ये हुआ टू लेट, किराए के लिए खाली एडवर्टिजमेंट. तो इसके बाद हम देखते हैं एडवर्टिजमेंट नंबर टू, आज का एडवर्टिजमेंट नंबर टू. तो स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन आता है आपके लिए, यू हैव एन इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन, यानी आपका अंग्रेजी भाषा सिखाने का संस्थान है, यू विल अरेंज अ न्यू बैच, आप एक नया बैच की व्यवस्था करोगे, प्रारंभ करोगे. राइट एन एडवर्टिजमेंट, एक विज्ञापन लिखिए, फॉर एजुकेशनल कॉलम्स ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर, एक लोकल अखबार के एजुकेशनल कॉलम के लिए, शैक्षिक वाले कॉलम के लिए एक एडवर्टिजमेंट लिखना है. तो इस एडवर्टिजमेंट को हमने यूँ तैयार किया है, आपको जो टाइटल है, टाइटल ब्लॉक, इस टाइटल ब्लॉक में लिखना है आपको एजुकेशन, ये शैक्षिक शिक्षा से संबंधित अपना एडवर्टिजमेंट है. इसमें आप सबसे पहले अपने कोर्स का नाम लिखोगे, इंग्लिश, लर्न इंग्लिश लैंग्वेज इन 6 मंथ्स, अंग्रेजी भाषा सीखिए 6 महीने में. बैच स्टार्टिंग, बैच स्टार्टिंग का डे लिखा है
3 सितंबर 2020, 3 सितंबर 2020 को बैच प्रारंभ होगा। लिमिटेड सीट्स, सीमित सीट हैं यह एडमिशन लेने के लिए। कांटेक्ट अमेरिकन इंस्टीट्यूट, हिंडन सिटी, करौली। ये हमने एड्रेस लिखा, एक काल्पनिक एड्रेस लिखा है। फोन, तो PHONE, फोन नंबर लिखा है इधर 9694000000, इस तरह के काल्पनिक फोन नंबर लिखा है यहाँ। इस प्रकार से हम एजुकेशनल कोई भी चीज़ हमें अपने इंस्टीट्यूशन का प्रचार करना है या अपनी क्लासेस के शुरू होने से पहले ऐड डालना है जिससे कि स्टूडेंट्स पढ़ सकें, तो हम इस प्रकार से संक्षेप में ऐड को तैयार कर सकते हैं। एक और हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट। साथियों, अगर एडवर्टाइजमेंट आता है मिसिंग पर्सन के बारे में, खोए हुए व्यक्ति के बारे में, तो क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, योर ब्रदर इज मिसिंग, आपका भाई खो गया है, या किसी भी रिलेटिव का नाम हो सकता है यहाँ। यू हैव लॉस्ड एन FIR इन द चिकसाना पुलिस स्टेशन भरतपुर। आपने FIR लिखा दी है भरतपुर के चिकसाना पुलिस स्टेशन में। राइट अ क्लासिफाइड एडवर्टिजमेंट, एक वर्गीकरण का विज्ञापन लिखना है आपको, टू गेट इट पब्लिश्ड, इसे छपवाने के लिए, इन अ न्यूज़पेपर, एक अखबार में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक ब्लॉक तैयार करना है जिसके अंदर हमें एडवर्टिजमेंट लिखना है। वर्गीकरण ये एक बॉक्स में जाता है, हमेशा न्यूज़पेपर में बॉक्स में होता है, जिसमें आप टाइटल बार में लिखेंगे मिसिंग पर्सन, खोया हुआ व्यक्ति, इसके बारे में हमें उसकी डिटेल लिखनी है। एक काल्पनिक है ये, पवन कुमार सन ऑफ श्री बांकेलाल। पवन कुमार है जिसके पिताजी का नाम बांकेलाल है, तो पवन कुमार जिसका रेजिडेंट, वो निवासी है ऑफ विलेज धोरमुई, भरतपुर, भरतपुर के धोरमुई गांव का निवासी है। इज मिसिंग, वह है गायब है, खो गया है, फ्रॉम 20 अगस्त 2020, 20 अगस्त 2020 से मिसिंग है, गायब है। लास्ट सीन एट लक्ष्मण मंदिर, लास्ट सीन एट लक्ष्मण मंदिर, अंतिम बार उसे लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में देखा गया था। नोज हिंदी, वह हिंदी जानता है। 5 बार पास्ड, 5वीं क्लास पास है। हैज पुट ऑन टी शर्ट, उसने टी शर्ट पहन रखी है। ब्लू जीन्स, नीले कलर का जीन्स पहन रखा है। एंड व्हाइट शूज, और सफेद जूते पहन रखे हैं। व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन, गेहुआ रंग है उसका। हेल्दी, स्वस्थ है, बट मेंटली रिटार्डेड, लेकिन मानसिक रूप से विकलांग है, मानसिक रूप से अपंगता है उसमें, यानी कि थोड़ा सा पागल जैसे लक्षण है उसके अंदर। रिवॉर्ड प्रॉमिस्ड, यानी निश्चित रूप से आपको रिवॉर्ड या पुरस्कार दिया जाएगा बताने वाले के लिए। कॉन्टैक्ट में मोबाइल नंबर दिया है 9694000000, एक काल्पनिक मोबाइल नंबर दिया है। तो आज हमने एडवर्टिजमेंट के पार्ट 2 में 3 एडवर्टिजमेंट्स देखें, पार्ट 1 में 3 और पार्ट 2 में 3, टोटल वी हैव 6 एडवर्टिजमेंट्स, 6 एड है हमारे पास। इन 6 एड्स को हम अच्छी तरह से एनालिसिस करके, ढंग से समझ करके, एग्जाम में अगर एडवर्टिजमेंट आता है तो हम बहुत अच्छी तरह से उसको लिख पाएंगे। इन 6 एडवर्टिजमेंट्स को आप थोड़ा समझ करके तैयार करें। क्वेश्चन में शब्दों का थोड़ा सा अंतर होगा, इधर उधर के शब्द हो सकते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको एडवर्टिजमेंट में शब्दों में हेर फेर करना है, रिप्लेस करना है शब्दों को। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। कोई आपको समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके यूट्यूब पर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ उनको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते रहिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ में। टिल देन, बाय बाय।